खबर है एटा जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश में बीते दिनों अलीगढ़ और फिर आगरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद अब एटा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर उस जिले के साथ साथ इलाके को भी चिन्हित कर संबंधित आरोपियों को दबोचने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इसी तर्ज पर सुबह के एटा जिले में जहरीली अवैध कच्ची शराब के खिलाफ रोक लगाने के लिए कोतवाली देहात पुलिस की टीम शुक्रवार को गांव कुठला लायकपुर में पहुंची। जैसे ही पुलिस मय दल बल के साथ पहुंची तो ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस के निर्देशों को सुनने के लिए जमावड़ा लगा दिया था। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम कुठला लायकपुर वासियों को हिदायत दी गयी कि आप अवैध शराब बनाने और बिक्री से बचे, ये अपराध है। पुलिस के मुताबिक जिले के कई इलाकों में जहरीली कच्ची शराब पीने से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए कई गांव में लोगों को इकट्ठा कर एटा पुलिस चौपाले लगा रही है। उनमें से एक गांव सीतलपुर ब्लॉक के गांव कुठला लायकपुर में चौपाल लगाई गई, जिसमें लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया, आप मजदूरी करने वाले लोग हैं लेकिन आप शराब के सेवन से भी बचें, क्योंकि इस नकली शराब का सेवन करना अपनी जान से खिलवाड़ करना है। पुलिस विभाग एटा द्वारा नारी सम्मान अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात जगदीश चंद्र, महिला आरक्षक बबीता गोट, पुलिस कांस्टेबल रतन सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर गांव कुठला लायकपुर में से राजवीर सिंह, सत्यपाल सिंह, मुनेश सिंह, रविंद्र सिंह, राजेश सिंह, संजय सिंह, सत्यवान सिंह चौहान, पत्रकार, महिला ग्राम प्रधान ओमवती और उनके बेटे धर्मवीर मौजूद थे। तो गया तो लोगों ने बताया कि कच्ची शराब का कुछ चला गया था, कच्ची शराब को लोग उतारते हैं और उसको व्यवसायिक रूप भेज कर अपनी डेली रोटी चलाते हैं। तो आपका मतलब नंबर एक तो यही है, जिसका कुछ प्रभाव है, कुछ प्रभाव है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक हमारे यहाँ मिशन महिला शक्ति भी चल रहा है, ये लड़की बताई इसके बारे में मेरे बात। तो मैं पहले शुरू करता हूँ शराब के बारे में। जब मैं आया था तो काफी सूचना मिली, गांव की तो काफी सूचना मिली। सबसे पहले मैं नंगला मासी गांव पड़ता है, सुना होगा आप लोगों ने, और बेहद बदनाम गांव था। इतना बदनाम था कि आबकारी अधिकारी भी कह रहे हैं सर इस गांव की शराब कहीं बंद नहीं हो पाई। और सबसे पहले हमने जो मीटिंग यहां कर रहे हैं उसी गांव में की थी, और उस गांव से जो बातें आती है महिलाओं की संख्या बहुत थी। तो फिर मैं भी क्षमा चाहूंगा, लेट हो गया हूँ थोड़ा, तो मैं इसीलिए आ पाया हूँ। वहां पर मैंने 100-150 महिलाएं मीटिंग में थी और उसको काफी संख्या में थी। मुझे करीब मैंने वहां पर मीटिंग की थी जून के महीने में की थी, अगस्त चल रही है, सितंबर चल रहा है, जून जुलाई में की थी। और आप यकीन करिएगा मीटिंग के बाद किसी ने उतारने का प्रयास भी किया तो महिलाओं ने मुझे फोन किया, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, तो उस गांव से एक ही बात आती है उसके साथ गांव सुधर गया। कोई भी व्यक्ति या औरत कच्ची शराब से नहीं उतार, तो हमें भी